हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से सर्दियों में भी आपकी स्किन को गोरा और चमकदार बना सकते हैं, और वो भी बिना एक भी पैसा खर्च किए, घर में बहुत ही अच्छे से फेस पैक के द्वारा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस फेस पैक में लगने वाली चीज़ें, आपको कोई भी सामान बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको आपके किचन में इजिली मिल जाएगी। तो दोस्तों, बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन सर्दियों में हम कौन सा फेस पैक यूज करके हमारी स्किन को और ज्यादा गोरा और चमकदार बना सकते हैं। और दोस्तों, गोरा और चमकदार से मेरा यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप एक बार फेस पैक लगाते बिल्कुल अंग्रेज बन जाएंगे। क्या होता है, जैसे मान लो एक तरफ एक ऐसी स्किन है जो बहुत ज्यादा गोरी है, लेकिन उसमें है बहुत सारे दाग धब्बे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, और एक तरफ एक स्किन है जो थोड़ी सांवली है लेकिन बहुत चमकदार है, एकसार है, कोई उसमें दाग धब्बा नहीं है। तो आपको कौन सी स्किन पसंद आएगी? आपको दूसरी वाली आएगी ना, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और एक सार स्किन होगी। तो अब मैं आपको वही समझाने की कोशिश करती हूँ, जो भी आपका कलर है आपको उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। और क्या होता है, कोई भी आप चीज़ मतलब अपनी स्किन की केयर करते हो ना, आपके स्किन से 2 से 3 टोन तक जो आपका कलर है फेयर हो सकता है, नो डाउट। क्योंकि क्या होता है, डेड स्किन के नीचे हमारा कलर छुपा होता है, और जब आप कुछ अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो डेड स्किन हट जाती है, और नो डाउट कि आपकी जो स्किन है ना और ज़्यादा निखर के आती है, गोरी होके आती है। जो आपका बर्थ कलर होता है ना, वो आपका एक्चुअल कलर होता है, जब आप जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, और वो कलर धीरे धीरे डेड स्किन के नीचे दब जाता है। और ये जो मैं आपको फेस पैक बताती हूँ, इसीलिए बताती हूँ कि आपकी डेड स्किन निकल जाए और आपका चेहरा गोरा बने, चमकदार बने, और एक्चुअल जो आपकी स्किन है, जो आपका कलर है ना, वो आपको मिल पाए। तो जी ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें फेस पैक बनाना है। तो दोस्तों, ये होम रेमेडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक खाली बाउल। उसके बाद से फर्स्ट आपको इसमें डालना है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर बेसन आपको लेना है 1 चम्मच। और बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को साफ करता है, ब्राइट करता है, डेड स्किन को निकालता है, स्किन के टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है, चेहरे को गोरा बनाता है, साथ साथ आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छा तेज आता है, बेसन से चमक आता है। उसके बाद से दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लेने वाले हैं मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी पाउडर हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, सदियों से चलता आ रहा है मुल्तानी मिट्टी पाउडर फेस पैक। कितने पुराने टाइम से आपने अपनी दादी परदादी से सुना होगा कि मुल्तानी मिट्टी पाउडर पहले के टाइम में कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता था। पुराने टाइम का एक तरह से फेस वॉश था मुल्तानी मिट्टी पाउडर, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, ठीक है जी। इसके बाद से तीसरी चीज़ आपको इसमें डालनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आज के टाइम में हर किसी को पता है इसके कितने ज़्यादा फायदे हैं आपकी स्किन के लिए, स्किन को ब्राइट बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जाता है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल ले लूँगी। मैं मार्केट का ले रही हूँ पतंजलि का, आपके पास पौधा है तो डेफिनेटली आप घर का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, मार्केट वाले एलोवेरा जेल से भी अच्छा रहेगा। इसके बाद से आपको चौथी चीज़ लेनी है कच्चा दूध, यानी कि रॉ मिल्क। कच्चे दूध की बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, पर्सनल मेरा फेवरेट होता है स्किन केयर के लिए, आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से साफ तो करता ही है, चमकदार गोरा तो बनाता ही है, इसी के साथ साथ स्किन की जो मॉइस्चराइज है ना, उसको भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, सूखा सूखा नहीं फील होता, ड्राइनेस ख़त्म करता है। खास करके सर्दियों में तो कच्चे दूध से अच्छा हमारी स्किन के लिए कुछ नहीं हो सकता। चारों चीज़ें मिलके बहुत ही अच्छा एक फेस पैक रेडी हो जाता है, परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। आपको मिक्स कर लेना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। गाढ़ा बनाएंगे तो ठीक से लगेगा नहीं, पतला बनाएंगे तो बह बह के जाएगा। आपको दूध इतना डालना है कि इसका सही सा एक जो है मिक्सचर बन जाए। तो पैक हमारा बन के रेडी है, अब मैं आपको बताती हूँ इसको लगाने का सही तरीका। तो दोस्तों, हमारे फेस पैक बन के बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फिंगर्स की हेल्प से सबसे पहले तो इसको पूरे चेहरे पे लगा लेना है, और उसके बाद से आपको करनी है 15 मिनट के लिए अच्छे से मसाज। और ये होगा इसको यूज़ करने का सही तरीका। पहले मैं इसको पूरे फेस पे लगा लूँगी, और आपको ध्यान रखना है जब आप इस फेस पैक को अप्लाई करें तो आपके चेहरे पे कोई मेकअप नहीं लगा हो। मैंने मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं लगाया, बस मैंने लिपस्टिक लगाई और मेरे होठों पे मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपको इस तरह से हाथों पे लेके नीचे से ऊपर की तरफ आपको जो है मसाज करना है सर्कुलर मोशन में,
और इस तरह से करना है। नाक पे भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि नोज पे क्या होता है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनकी स्किन तो ब्राइट होती है, गोरी होती है, लेकिन उनके नाक के यहाँ पे आसपास ब्लैक हेड्स हुए रहते हैं, बहुत ही भद्दे लगते हैं। और यहाँ पे चिन पे भी आपको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार तो है फेस पैक लगाना ही चाहिए। और मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मार्केट से महंगे महंगे सामान लेके आए उनको लगाए, आप होममेड फेस पैक तो लगा ही सकते हैं। आपकी स्किन ब्राइट भी बनेगी, चमकदार भी बनेगी, और आपका रंग फेयर भी होगा, और एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा। और इस तरह से मसाज करते हुए आपको अपने चेहरे को क्लीन करना है, और आपकी जो डेड स्किन है बिल्कुल निकल जाएगी। आप हफ्ते में 3 बार कर लो, 3 बार में ही आपको ना फर्क दिखे तो मुझे बताना। कंटिन्यू अपनी स्किन की देखभाल करने से ना झाइयाँ आती हैं, ना टाइम से पहले झुर्रियाँ आती हैं, और आपकी स्किन हेल्दी भी बनी रहती है। अगर आप आपकी स्किन की केयर नहीं करेंगे तो आपकी स्किन टाइम से पहले ख़राब हो जाती है। आपने किसी किसी को देखा होगा ना, 30 साल की भी औरतें नहीं होती मुश्किल से, और उनकी स्किन पे झुर्रियाँ, झाइयाँ, डार्क स्पॉट्स इस तरह से पड़े होते हैं, जैसे पता नहीं 40+ के हो गए। ऐसा क्यों होता है? इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वो लोग अपनी स्किन की सही से केयर नहीं करते। तो सही से केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप लंबे टाइम तक खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो इस तरह से कर लेना है आपको मसाज। और अभी अच्छे से मसाज हो गया है, अब मैं इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। साबुन फेस वॉश का यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने मुल्तानी मिट्टी पाउडर डाला है ना, वो फेस वॉश का ही काम करता है। तो मैं अभी पानी से इसको वॉश कर लेती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, मैंने मेरे चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लिया है, आपको भी सेम इसी तरह से इस वाले फेस पैक का इस्तेमाल कर लेना है। तो आई होप आपको ठीक से समझ आ गया होगा। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आता है ना उसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपके पास हमारी हर न्यू वीडियो टाइम टू टाइम पहुँच जाए। अब आप बोलोगे आप डेली वीडियो अपलोड करते हो, हमारे पास तो डेली का तो नोटिफिकेशन नहीं आता। क्या होता है, सब्सक्राइब आपने कर लिया, साइड में जो बेल आइकन होता है ना, घंटा बटन होता है, घंटी बनी होती है, उसको कुछ लोग प्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, नई वीडियो तुरंत डालते उनके फ़ोन तक नहीं पहुंच पाती। इनफैक्ट वो 2-3 दिन घूम घूम के उसके बाद से ब्राउज फीचर में जाती है, और वहां से आप देख के फिर पुराने वीडियो पे कमेंट करते हैं, ऐसा होता है ना। तो आप उसको चेक कर लेना, ठीक से बेल बटन दबाए, ताकि हर न्यू वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।